हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्यूटोरियल। आज है 5 मई 2020। आज हम जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम डिस्कस करने वाले और क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा वो भी हम जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन जल्दी पा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे दी गई लिंक से क्लिक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस टू द पीपल। हाल ही में इंडिया का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसने लोगों के लिए फ्री एंड मुफ्त एंड कैशलेस बीमा का शुरुआत की है? और इसका ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। और इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1 मई 2020 को ये घोषणा की है जो महाराष्ट्र के जो सभी लोगों को फ्री मुफ्त एंड कैशलेस बीमा का सुविधा मिलेगा। और ये घोषणा की है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मिनिस्टर राजेश टोप ने। दे ऑल्सो कवर्ड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स हेल्थ स्कीम एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19 पेशेंट्स एट द प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन पुणे एंड मुंबई। और वो सभी लोग राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य बीमा है उसके तहत भी आएंगी। और इस बीमा के तहत सभी कोरोना वायरस के मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट कर पाएगी जो पुणे और मुंबई में है। और द पुणे एंड मुंबई गवर्नमेंट हैज साइंड ए मूव विद द जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन। और पुणे एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन का ये डील साइन किया है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच रैंक इंडिया होल्ड्स इन साइंटिफिक पब्लिकेशन। हाल ही में इंडिया ने साइंटिफिक पब्लिकेशन में कितना रैंक हासिल किया है? इसका ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा थर्ड। एज पर द सर्वे इंडिया रैंक्स थर्ड अमंग द कंट्रीज इन ए साइंटिफिक पब्लिकेशन। इंडिया ने सभी देशों के बीच तीसरा रैंक हासिल किया है जो भी देश इसमें पार्टिसिपेट किया था। द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज कंडक्टेड ए सर्वे ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिकेटर्स 2019 and 2020। द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है उसने ये सर्वे कंडक्ट किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए। द सर्वे इंक्लूडेड मोर देन 6,800 इंस्टीट्यूशन स्प्रेड अक्रॉस वैरिड सेक्टर्स लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, हायर एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। और इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया था 6,800 इंस्टीट्यूशन जो दुनिया भर में है। और इसमें है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, हायर एजुकेशन और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री भी शामिल है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष डे के रूप में मनाया गया है? इसका ऑप्शन है April 28, April 30, May 1 एंड May 2। और इसका आंसर होगा May 2। और इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 2। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष डे 2 मई को हर साल मनाया जाता है। द डे इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस ए ईयर, वन इन ऑटम एंड अनदर इन स्प्रिंग। और ये दिन साल में दो बार मनाया जाता है, एक शरद ऋतु में और एक बसंत ऋतु में। द नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमी डे विल बी ऑब्जर्व ऑन 26 सितंबर 2020। और ये अगला जो अंतरिक्ष डे मनाया जाएगा वो 26 सितंबर 2020 को होगा। द डे इज सेलिब्रेटेड बाय द एंथुसियास्ट एंड प्रोफेशनल्स टू शेयर द नॉलेज एंड लव फॉर द आउटर स्पेस विद द जनरल पब्लिक। और इस दिन का मनाने का उद्देश्य है बाहरी अंतरिक्ष के बारे में हमारे पृथ्वीवासी को सभी में ये बात फैलाना कि बाहरी दुनिया कैसा दिखता है। द डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इज 1973 बाई डॉग बार्जर, द देन प्रेसिडेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ कैलिफोर्निया। ये दिन पहले मनाया गया था 1973 में डॉग बार्जर के द्वारा और वो एक एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न
कैलिफोर्निया के सभापति था। आज का 14 क्वेश्चन है, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट ओडीआई क्रिकेटर इज न्यूजीलैंड क्रिकेट्स वर्चुअल अवार्ड। हाल ही में किसको न्यूजीलैंड क्रिकेट्स वर्चुअल अवार्ड्स में ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया है? इसका ऑप्शन है रॉस टेलर, केन विलियमसन, मार्टिन गप्टिल और टीम साउदी। और इसका आंसर होगा केन विलियमसन। केन विलियमसन वाज ऑन थर्सडे नेम्ड द मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर एट द एनुअल न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड फॉर हिज स्टेलर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर। केन विलियमसन को न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड के अवार्ड में ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया है और वो उसको अवार्ड दिया गया वो जो पूरे साल दमदार खेला है उसके लिए। अनदर अवार्ड इज रॉस टेलर ऑन द मेन्स टी ट्वेंटी इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द अवार्ड। और रॉस टेलर को मेन्स कैटेगरी में बेस्ट टी ट्वेंटी प्लेयर के अवार्ड मिला है। और सोफी डेविन जो कि महिलाओं के बीच टी ट्वेंटी इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर हुआ है। और रॉस टेलर को रिचर्ड हेडली अवार्ड भी मिला है। अच्छा पांचवा क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स हैव बीन एडेड रिसेंटली अंडर वन नेशन वन कार्ड स्कीम। हाल ही में कितने राज्यों को वन नेशन वन रेशन कार्ड की स्कीम के तहत ऐड किया गया है? और इसका ऑप्शन है 7, 5, 3 और 9। और इसका आंसर होगा 5। ऑन May 1, 2020 मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री रामविलास पासवान अप्रूव द इंटीग्रेशन ऑफ 5 मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर वन नेशन वन रेशन कार्ड प्लान। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर श्री रामविलास पासवान ने 1 मई 2020 को ये पांच स्टेट और केंद्र शासित अंचल को अप्रूव किया है वन नेशन वन रेशन कार्ड के तहत। द ऑलरेडी 12 एग्जिस्टिंग स्टेट्स टोटल नाउ 17। और इस प्लान के तहत 12 राज्य पहले भी ऐड था और अभी टोटल हुआ है 17। रिसेंटली एडेड स्टेट बाय यूटीज आर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। हाल ही में जो राज्य और केंद्र शासित अंचल ऐड हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। अबाउट द फैसिलिटी, विद दिस फैसिलिटी ऑफ नेशनल एंड इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर नियरली 60 crore बेनिफिशरीज ऑफ स्टेट एंड यूटीज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और इस फैसिलिटी के तहत जो भी राज्य और केंद्र शासित अंचल है उसमें से 60 crore लोगों को ये फैसिलिटी दिया जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। आज का छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। हाल ही में किसको विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में घोषित किया है? इसका ऑप्शन है राकेश कुमार, सुरेश सेन पाटिल, विकास सिंह और नानोदीज। और इसका आंसर होगा सुरेश सेन पाटिल। सुरेश सेन पाटिल टू कोथ एज अ विजिलेंस कमिश्नर इन द एंटी करप्शन वॉचडॉग CVC। सुरेश पाटिल को विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया और ये एंटी करप्शन वॉचडॉग CVC में। ही टूक ओथ ऑफिस बाय सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बाय संजय कोठारी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। और वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो संजय कोठारी है उसके द्वारा ओथ लेंगी और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा होगी। हिज टेन्योर विल फॉर 2 years टिल द लेट दिसंबर 2022 इन द CVC। और उसके जो कार्यकाल होगा और 2 साल का होगा और वो कार्यकाल खत्म होगा दिसंबर 2020 को। अबाउट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और इसका फॉर्मेशन हुआ था February 1964 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली हु हैज बीन बैंड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ क्रिकेट फॉर 2 years बाय ICC। हाल ही में किसको ICC के द्वारा 2 साल के लिए सभी क्रिकेट खेलों से प्रतिबंध किया है?
और इसका ऑप्शन है मुस्फिकुर रहीम, दीपक अग्रवाल, ड्विन ब्रावो, नन ऑफ दिच। और इसका आंसर होगा दीपक अग्रवाल। दीपक अग्रवाल हैज बीन बैंड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फ्रॉम ऑल क्रिकेट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। दीपक अग्रवाल को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा 2 साल के लिए सभी क्रिकेट खेलों से प्रतिबंध किया हुआ है। ही हैज़ बीन बैंड बाई द ICC आफ्टर ही एक्सेप्टेड वन चार्ज ऑफ ब्रीचिंग द ICC एंटी करप्शन कोड। उसको प्रतिबंध लगा है और वो ICC के जो एंटी करप्शन कोड है उसको तोड़ने के बाद इसको बैंड किया है। दीपक विल बी फ्री टू कंटिन्यू हिज इन्वॉल्वमेंट इन क्रिकेट फ्रॉम 27 अक्टूबर 2021। और दीपक अग्रवाल जो जिसको प्रतिबंध लगा है वो खेल में वापसी कर सकते हैं 27 अक्टूबर 2021 के बाद। अबाउट ICC, ICC का हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसका चेयरमैन है शशांक बनवर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। द एंड। थैंक यू।